What's up guys, this is Mahendra Singh Soda, you're watching your YouTube channel MS Soda. So दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में, जिसे COVID-19 कहा गया है। ये वायरस बहुत ही तेजी के अंदर वर्ल्ड के अंदर फैला है और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही तेजी से ये फैल रहा है। तो इसके अंदर हम किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं सभी वो बातें करने वाला हूं और बहुत ही डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसके बारे में जितना हो सके बेसिक जो नॉलेज है आप लोगों को मैं देना चाहूंगा, जिन चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो हो सकता है कि हमारी कंट्री जो है इस चीज़ से बच सके। और वर्ल्ड के अंदर ये महामारी घोषित कर दी गई है, ये महामारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो कोशिश करें जितना हो सके जो चीज़ें बताई जा रही है उन चीज़ों के बारे में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हो सकता है इस जो महामारी से हम लोग बच पाए सही तरीके से। तो हम सब लोगों का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हम जो गवर्नमेंट जो भी चीजें बता रही हमें इन सब चीजों के बारे में ध्यान दे, हम कोशिश करें कि ये सब चीजें जो है इन सब चीजों को लागू करके हम जमीनी स्तर पर जो भी चीजें हैं इन सब चीजों के बारे में ध्यान दे करके इस महामारी से बच सके। तो हर एक इंसान का ये फर्ज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज का जरूर ध्यान दे। और लास्ट में बात करेंगे जिम जो है, जिम भी बंद है, जिम के बारे में बात करेंगे, जिम बंद करने का क्या रीज़न है और किन किन चीज़ों के कारण जिम के अंदर ये डिजीज़ जो है ये वायरस फैल सकता है, इस वीडियो के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको हैंड वॉश करने, अपने हाथ जो है उसे नियमित रूप से धोने हैं। आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, धोने के बाद में किसी अच्छे से साबुन के साथ में इसे धो सकते हैं हाथों को। उसके बाद में आप लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, जो लोग संक्रमित है या फिर जिन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा खांसी होती है, छींकते हैं, उन लोगों से कोशिश करें 6 फीट की आप दूरी बना के रखिए। जो लोग खांसते हैं या फिर छींकते हैं, छींकने से जो थूक के उनके कण होते हैं वो हवा के अंदर फैल जाते हैं, वो कण अगर आप लोगों के कहीं पे नज़दीक से आते हैं वो आपकी सांस के द्वारा आपके लंग्स जो है उनके अंदर चले जाते हैं, उससे भी ये बीमारी होने के बहुत ज़्यादा खतरे फैलते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ कोई ऐसी चीज़ें होती है जिनको बार बार कुछ लोग छूते हैं, उन लोगों को उन चीज़ों को छूने से आप लोग बचें, इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें। और बाकी सारी चीज़ें और भी है जो ध्यान रखने योग्य हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कोरोना वायरस से बचने के लिए, एक तो बार बार आप लोगों को हाथ धोने हैं, दूसरी चीज़ आप जब भी खांसते हैं या फिर छींकते हैं उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, टिश्यू है वो आप अपने मुंह पर लगा सकते हो, जो भी आप टिश्यू यूज़ करते हो उसको फेंकना है आपको डस्टबिन के अंदर। और तीसरी चीज़ है आपके पास अगर जो रुमाल है या फिर टिश्यू है वो नहीं अवेलेबल है तो आप लोग हाथ जो है उसको वहां रख सकते हैं अपने मुंह की ओर, जिससे आपके जो थूक के कण है वो हवा के अंदर ना फैले। बगैर हाथ धोए आप अपने मुंह है नाक है उनको ना छुए, कोशिश यही करें और उनको हाथ ना लगाए और धोने के बाद में जो है हाथ लगाए। उसके बाद में दूसरी चीज है बीमार व्यक्ति के नजदीक जाने से बचे। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस जो है इसके संक्रमण जो है इसके सिम्टम्स है उसके बारे में कैसे हम पता लगा सकते हैं, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जिस इंसान को ये चीज होती है इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद कोरोना वायरस उसके फेफड़ों में संक्रमण करता है, इसके कारण सबसे पहले बुखार, उसके बाद सूखी खांसी आती है, बाद में सांस लेने में समस्या हो सकती है। वायरस के संक्रमण के लक्षण देखना शुरू होने पर औसतन 5 दिन लग सकते हैं। हालांकि जो रिसर्च करता है उन लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों में इसके लक्षण बहुत दिनों बाद देखने को मिलते हैं। WHO के अनुसार अगर बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए, उन लोगों ने ये बताया है कि उसके अनुसार वायरस के शरीर में पहुँचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों का समय लग सकता है। और हालांकि कुछ रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि इसमें कुछ और ज़्यादा टाइम लग सकता है, 24 दिनों तक का टाइम लग सकता है। जिन लोगों को इसके सिम्टम्स अगर देखने हैं तो उनको सर दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, मसल्स के अंदर दर्द हो सकता है, बुखार और थकान हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, ये सब चीज़ें अगर किसी को है तो हो सकता है उसको ये डिजीज़ हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा सा जाना है, चेकअप कराना है और कोशिश करें आप लोगों को अगर दिखाई देते हैं इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो इस तरीके के सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आप दूसरे जो लोग हैं उनसे दूरी बना के रखें। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको अगर इस तरीके की चीज़ें लगती है खुद के अंदर तो आपको दूसरों से दूरी बना के रखनी है। उसके बाद में आप ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे नंबर से या फिर अपने आप को सही तरीके से आप लोग वहाँ तक ले जा सकते हैं, अपने टेस्ट जो भी है जाँचें हैं वो करा सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। अब और कौन कौन से केयर है जो करने चाहिए आपको, जैसे बताया आपको हैंड वॉश करने। अगर जिम की बात की जाए तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये आता है कि भाई जिम क्यों बंद किया जाए। जिम एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे एक बात करते हैं, जैसे किसी कोई ऐसा है जो इस डिजीज से संक्रमित है
और वो छींकता है वहां पर फ्लोर के ऊपर, उसके थूक के जो कण है वो गिरते हैं, वहां पर ही कोई बंदा पुशअप्स लगाता है, वही हाथ फिर अपना जो टॉवल है उसे यूज करके अपने फेस पे लगाता है या फिर कहीं मुंह पर कहीं लगाता है, तो उससे उसको डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए बेंच प्रेस, आप लोगों ने देखा होगा बारबेल कर्ल, इस तरीके की जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, डंबल्स यूज करते हैं, उनको भी हम बार बार छूते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं, इससे भी ये बीमारी फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और ये वायरस फैलने के चांसेस रहते हैं। इस कारण गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार है, वैसे भी वर्ल्ड में भी ये चीज़ जो है लागू हो चुकी है, इस तरीके की जो भी पब्लिक प्लेस है या फिर जहाँ पर क्राउड ज़्यादा रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उन जगहों पर जाने के लिए परहेज कहा है, एहतियात बरतने के लिए कहा है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में ध्यान दें। सैनिटाइज़र का आप ज़रूर यूज़ करें। अगर जिम की बात करते हैं, वैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो बहुत सारे जिम जो है वो बंद हो चुके हैं, अभी 31 तारीख तक बंद करने का कहा गया गवर्नमेंट ने। ऑलमोस्ट बहुत सारी जिमें बंद हो चुकी है, हो सकता है आपकी जिम अभी चल रही हो, बंद करने वाला हो, बंद भी हो सकती है, और आप लोग भी एहतियात बरतें, कोशिश करें ऐसी पब्लिक प्लेस जो है जहां पर ज़्यादा क्राउड होता है वहां पर जाने की कोशिश ना करें। और जिम के अंदर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो लोग छींकते करते हैं, आप लोगों ने देखा हाथ देते हैं, वही हाथ फिर उन्हें इक्विपमेंट्स के ऊपर लगाते हैं, उससे आप संक्रमित हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में ध्यान दें। और भी जो चीज़ें हैं ध्यान रखने योग्य, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसके ऊपर रेलिंग जो लगी होती है, रेलिंग के ऊपर हाथ लगाते हैं, इन चीज़ों से जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हाथ लगाते हैं, इन चीज़ों से बचने की आप लोग कोशिश करें, जिससे भी आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। और भी ऐसे कई एहतियात हैं जिनको आप लोग अगर बरतेंगे तो आप लोग इस डिजीज से बच सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं, इस वायरस से वर्ल्ड जो है जूझ रहा है इससे हम बच सकते हैं। और भी ऐसे कई सारे लोग मैंने देखे हैं, अगर जिम की अगर बात की जाए, मोस्टली रियलिटी में बता रहा हूँ, और काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमारी जिम चल रही है, उसकी जिम चल रही है। अगर आप लोग अपनी जिम बंद नहीं कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। और जैसे गवर्नमेंट ने आप लोगों को अगर गाइडलाइन दी है कि आप लोगों को जिम है, जो भी इस तरीके के सेंटर है वो बंद करने हैं, स्कूल्स बंद करने हैं, सिनेमा हॉल्स बंद करने हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग अगर एक सतर्क नागरिक है तो आप लोग भी कोशिश करें ना जाए ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यार 5-10 दिन के अंदर आपकी हेल्थ खराब नहीं होने वाली, मैं मानता हूँ इस चीज़ के बारे में। जो जिम जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे मैं खुद जाता हूँ, मुझे खुद को काफ़ी दिक्कत हो रही है कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है बॉडी के अंदर अपने को थोड़ी ऐसी वीकनेस लगे, तो ऐसा कोई नहीं, आप घर पर पुशअप्स लगा सकते हैं, सिटअप्स लगा सकते हैं, इस तरीके से खुद को एक्टिव रख सकते हैं। देश हित के बारे में जो बात आती है उसके बारे में आप लोगों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप ऐसा ना एक्सरसाइज करना भी छोड़ दें, इसके अंदर ये भी कहा गया जिन लोगों का इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस शब्द को आप लोग समझने की ज़रूर कोशिश करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपकी, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है जिन लोगों की ज़्यादा होती है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, उन लोगों को ये संक्रमण है जल्दी तरीके से अगर कह सकते हो वो ग्रस्त नहीं करता है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज वगैरह नहीं छोड़नी है, आपका इम्यून सिस्टम आप लोगों को मजबूत करना है, ऐसी डाइट खानी जिससे आपका इम्यून सिस्टम है जो वो मजबूत हो, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान दें। और जो लोग जिम खोल के बैठे हैं या लोग सोचते हैं कि हम अपनी जिम चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को कानून के साथ में खड़ा होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट के साथ में खड़ा होना चाहिए, आप लोगों का अहम रोल होना चाहिए इस डिजीज़ को, अपने देश से इस वायरस को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। सो गाइज, आई होप आप लोगों की सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। आगे इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल MS सोडा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।